अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं जी। थोड़े थोड़े मेरे सुर वापस आ रहे हैं, आवाज़ ठीक हो रही है, गला भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन ना खराश शुरू हो जाती है। तो अभी जी हम तैयारी कर रहे हैं, मैंने क्रीम वगैरह लगा ली है, हमने नहा धो लिया सब ने, बच्चों ने, वो भी बच्चे भी आप लोगों को दिखाते हैं। आज ईद का दूसरा दिन है और आज हमारा है टरू दिन, यानी टुरना फिरना है हमने, उसे कहते हैं टरू दिन। और तीसरा दिन होता है मरु दिन। मरु दिन क्यों होता है? उस दिन ना लोग थक हार के घर में पड़े होते हैं, आज सारे लोग गए होंगे, कोई ससुराल डे जा रहा होगा, कोई मेके कोई पेके, ठीक है ना। ये भी तैयार हो गया, इसने कहाँ जाना है? नानों के घर। बड़े अरसे बाद जा रहे हैं हम, हमने कहा आज हो आते हैं, फिर उसके बाद घर में मेहमान आएंगे तो फिर टाइम नहीं लगना। तो मेरे ख्याल में सारे गए हुए हैं, सदाकत और उसकी बेगम भी गए हुए हैं ससुराल, लियाकत और उसकी बेगम भी ससुराल चले गए हैं, यानी बेगम तो गई है पेके, लियाकत ससुराल, सदाकत गया है ससुराल, बेगम गई है पेके, आप भी जा रहे हो माशाल्लाह से ससुराल। आज आपने ना अपना वो क्या कहते हैं तोड़ दिए, कसम तोड़ दी है, ठीक है ना। हाँ जी, हमने कहा फिर बार बार अम्मी कह रही थी मुझे रोजा है, मैं नहीं आ सकती पूरे रमजान, वो नहीं आ सकी, तो हमने कहा चले हम मिलाते हैं, तो हम जाएंगे थोड़ी देर हो के बैठ के जो लेना देना है वो करके ना वापस आ जाएंगे, आखिर लेना भी है और देना भी है ना। तो भाई मैंने शिकवा भी करना है कि कम अज कम भाई सारों को बेटियों को ना ईदी भेजते हैं, आप भी थोड़ी सी ईदी भेज देती है, अगर वो मेरा व्लॉग देख रही है तो व्लॉग में भी सुन ले, और मैंने पक्का जाके करना है, ठीक है ना। मुझे तसवर ने कहा था, हाँ नहीं बंदा एक किलो चीनी, हाँ, एक सावियों का पैकेट संभाल होती है। अल्लाह का शुक्र है भाई, शादी हुई है, अल्लाह का दिया, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ है, अब हमारे पास सब कुछ है, वो नहीं होता, लालच नहीं होता, लेकिन एक वो होती है कि वो चस होती है, हाँ, चस होती है। तो कैसी चस होती है? बच्चों अच्छी, इसको करीम तो लगाओ, तो वो देंगी ना, मुझे पता है वो जब जाएंगे वो ईदी देंगी, लेकिन भाई मुझे थोड़ी सी भेज देती है। फिर वो कहती होंगी, असल में मेरे जहन में एक और बात भी आती है, वो कहती होंगी मेरी चार बेटियां, मैं चारों को फिर चारों शिकवा करेंगी पिछली, क्योंकि उन्होंने ना मेरे घर के लिए घड़ी दी थी जब वो, तो भाई नया घर बनाया ना, तो मैं भाई बेटी के लिए तोहफा, तो इतना फसाद पड़ा था ना घर में, मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा। मैंने आपको जिक्र भी किया था, हाँ, सब दूर दूर से फोन आ गया था, अच्छा वो ज्यादा लाडली है भाई, उसको दिया ये वो। अम्मी ने कहा नहीं, उसका घर नया बना था, कहती हाँ हमारा कमरा नहीं बना, हमारा बरामदा नहीं बना, हमारा ये नहीं बना, हमारा बाथरूम नहीं बना, सब ने लाहौर तक से फोन आए थे उनको। ओए, 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 ओए। लेकिन नहीं, मैं कहूंगी चलो आप चोरी दे दिया करो भाई, हम व्लॉग में भी कह देंगे, बता देंगे, या भाई चलो भाई एक होता है, चले थोड़ा थोड़ा उनको भी दे दिया तो। लेकिन असल में वो दूर है ना, लेकिन मैंने जाके कहना जरूर है, देखे वो क्या कहती है, लेकिन मुझे शक यही पड़ता है कि वो कहती है रोला खत्म करो ना, एक को दो, फिर दूर दूर कौन ले जाए, जो दूर वालों को ना दी, जो करीब है उनको तो दे दिया ना, दूर दूर, ये तो नहीं है बंदा लाहौर वो बेचारी ईद लेके पीछे बस सास से लड़ाई करने जा रहे हैं। ईद का दूसरा दिन हमारा टरू का दिन नहीं, हमारा आज लड़ो मरो का दिन है, ठीक है, आप लोगों को भी साथ ले जाते हैं। मुझे ये घड़ी वाला अच्छी तरह याद है, बड़ा फसाद पड़ा था, अच्छा हाँ घर में, कि हम वो लाडली ज्यादा है, हम नहीं है, हम आपकी बेटियां नहीं है, उन्होंने घड़ी ला के दे छोड़नी आई, वो अम्मी कहती है मैं कुछ बनाए तो मैं उनको ले देती ना, हाथ में एक मुंह तो मारनी है, वो क्या कहती है, सुनती है औलाद नहीं सुनती। चलो तैयारी करो, शहरी करीम लगवाओ, जल्दी करो शाबाश, निकले फिर, चलो बंद करो यार आ जाओ। खैर जी, हमने जनाब निकल आए हैं, बच्चों को भी ले लिया नानों से मिलवाने के लिए। हाँ जी, रेडी रेडी वैसे बड़ा मते का सीन हुआ है, आपका घर मेरा ससुराल सुनसान हुआ पड़ा है, सारी चिड़िया अपने अपने शोहरों को लेके उड़ गई है, हाँ सारी चली गई, लियाकत की, सदाकत की, हमारा जादू तसव्वुर की, मुनव्वर की एक बेगम फिरती है, हाँ वो हो आई थी मेरे ख्याल में पहले हो आई थी, और वो हंस रहा है पिछले वाला, ये भी ऐसे ही करेंगे, हाँ तो और क्या करेंगे। हाँ जी, हमने मेन रोड क्रॉस कर लिया, अब हम उधर हैं जो गांव जो रोड जाता है उस पे है, तो ये कुछ सही है, वहाँ तो बड़ी मुश्किल से आए हैं, ये भी आप कुछ, लेकिन बस यही तक सही था, हाँ, जो हो गया, हाँ जी बिल्कुल, आगे फिर ये वही है बस, फिर इसलिए ना
पड़ जाता है यहाँ पे बस। अच्छा, हमारे वाला रोड सही है, हमारे गांव वो सही है, नया बना था ये तो अभी 1.5-2 साल हुए हैं तो यहाँ पे, और फिर इसलिए हम ना फोन पे ही बातचीत कर लेते हैं, काम ही आते जाते हैं। वो लोग फिर भी कभी चक्कर लगाना हो तो लगा लें बाइक वगैरह पे, फिर हम इतना टब्बर कैसे बाइक पे बैठ गया, पहले तो फिर भी आ जाते थे, अब तरह हम नवाब हो गए हैं। हाँ जी, तो माशाल्लाह से अब हम घर से निकल आए हैं, वो असल में ना व्लॉग नहीं बना सके, हम बहुत सारे लोग इकट्ठे थे तो भाई वो ना भाई अवॉइड करते हैं, हमने कहा अच्छा नहीं लगता, तो समझे इतना रश था, इस ट्राली जितना रश था घर में, है ना। असल में ना इसकी ना सारी जो बहने हैं ना वो भी आई हुई थी। हाँ जी बिल्कुल, वो जरा आपकी बहने भी आई थी। हाँ जी, हमारी बहने भी आई तो वो ना, फिर आपको पता है, आपको समझ तो आ गई होगी। हाँ जी, वो इसलिए ना फिर हम वहाँ पे तो कले वो कैमरा भी नहीं निकाल सके, बिल्कुल मोबाइल भी नहीं, खतरा वो हम निकालते ना तो वहाँ पे फटा पड़ जाना था। और क्या, वो ना हमारी वीडियो आ गई तो हमने आपको लंबा कर दिया, कॉपीराइट आ जाना, कॉपीराइट आ जाना था, फिर डर के मारे बस हम रश बड़ा था वैसे घर में, हम तो सहमे सहमे आए हैं, सहमे सहमे। हाँ जी बिल्कुल, हम फुरके ही नहीं ब्लॉग बनाने के लिए, तो ईदी ये लेके गई थी अपनी मम्मा के लिए और भाभी के लिए, बच्चों के लिए। हाँ, और फिर सब ने एक दूसरे को ईदी सीधी दी, कोई समझ नहीं आई, जितनी दी उतनी दी, और इसी तरह ना ईदी रिटर्न हो गई है। हाँ, जो उधर से ली है वो उधर ही दे दी फिर वापसी। हाँ जी बिल्कुल, लेना देना हुआ है, फिर हम अब निकल आए हैं, अब हम घर जा रहे हैं, और तकरीबन जो आए हुए थे ना वो सारे अब आहिस्ता आहिस्ता घर जा रहे हैं, सब तैयार बैठे थे, और यहाँ हम जाएंगे सिटी। जुरेश कहता है बैग लेना है, लेकिन अब तसव्वुर पे है कि आज लेके देते हैं कल लेके देते हैं, अभी तो छुट्टियां हैं तो कब लेके दोगे, अंदर बाजार जाना पड़ेगा बैग के लिए, थक गए है ना, मुझे भी तो सिटी से लेंगे। हाँ चलो ठीक है। हाँ जी, तो जी तो हम घर वापस आ गए, अभी देखते हैं कौन कौन आया है। सवन ने अपना फ्रीजा पूरा कर लिया है, मेरे ख्याल में कोई भी नहीं आया होगा, देखा वापस आ गए वो, ऐसे नहीं हम रस्ते में ये बात कर रहे थे, हमारा ससुराल सबसे ज्यादा करीब है। हाँ, कहते मैं सुखी रह गया। हाँ, ये फायदा तो है, और हम ज्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करते वहाँ पे फजूल लोगों में, हम जो आप लोगों पे कितना टाइम वेस्ट करते हैं। अच्छा चलो जी, खैर ससुराली डे आज पूरा हो गया, ईद के बाद सब लोग ससुराली गए, जो जो गया हुआ है ना अपनी बेगमों को लेके गए होंगे, सब कमेंट्स में लिखना कि हम भी गए, हम भी गए। हाँ जी, और सिस्टर भी जरूर बताएंगी जो बहने देखती हैं कि आप लोग गए हैं या नहीं गए अपने अपने चिड़ों के साथ, चिड़ों के साथ नहीं चिड़ियों के साथ, चिड़े चिड़े माँ के चिड़े वो ना, मैं जब आ रही थी ना, मेरी सास अकेली बैठी हुई थी दरख्त के नीचे, माल्टे खा रही थी, ये देखे आए थे तो मुझे हंसी आई, मैंने कहा सारे चले गए हैं, तो अब देखती हूँ कौन कौन आया है। ठीक है, मेरा गला ज्यादा खराब हो गया है, उतरो उतरो। हाँ तो शहर जुरेज का कौन था दूसरा था, चला उधर पता करके कौन कौन आया। हाँ, चलो चलो चलो, देखो वो लड़ाई हो गई शहरी, ए, ए, नहीं जुरेज नहीं, तो फिर शहरी जुरेज है, चलो आज आज ये वो गिरा पड़ा है, वो एक गिरा पड़ा है, चलो यार ये बच्चे तो लड़ते रहेंगे ना, ये उनकी उम्र है लड़ने की, हम भी बड़े भाई लड़ते थे आपस में, कोई भी नहीं आया होगा, पक्की टक्की ठक्की बात है, कोई भी आया कौन कौन ना हो तेरी वापस हट आई है, नो वापस हट है ठीक है, गई है जेड़ी पैकेट तक गई हूं, पता ही कोई नहीं अब्बे नु, नहीं पता बड़ी, हम गए हुए थे, हम वापस आ गए हैं, हम पता करने आए हैं और कौन आया वापस, सारी नौ तेरी गई हैं अब्बे नु, पता ही कोई नहीं, रुक की अब भैया जा रहे भाई सब, कोई भी कोई नहीं, नहीं अम्मा कहाँ है बाजी, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई नहीं आया वापस अभी, हम भाई सब सबसे पहले, हाँ कोई गाड़ी भी कोई नहीं आई ना, हाँ हमारा नंबर है, नहीं कोई नहीं हम आए हैं सिर्फ वापस, देखा आपको जल्दी थी, कोई गड्डी शड्डी नहीं खड़ी है, कपड़े शपड़े पड़े, ओ अम्मा बैठी, हम लोग वापस आए हैं, ईद मुबारक, असि आंदे पए हैं भाई, सारी नौ तेरी गई हुई हैं,
ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇਰੀ ਕਿ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਹਟ ਕੇ ਆਈਏ अच्छा 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 यानी कि छुट्टियां थाई गुजारनी है दो रह गई एक छुट्टी रह गई नहीं नहीं सोमवार वाले दिन जाना है एतवार को जाना है हमारी आ रही है माशाल्लाह बंदी है अमदी पई ना लो भाई साहब सारी धियां आई हुई हां सारी धियां आई हुई थी परेशान हो गई कह मैं तुम बाहर धूप तो बैठा रही हूं हां ये धूप पे बैठे हुए उन्होंने मुझे कहा देख तेरा शोर काम बैठा बंदे कहीं धूप पे चार पी डाल के बारिश की है और के मगर साइड ते बच्चो दिया दियो इना तू बच्चो अच्छा जी भाई साहब हमारे यहां भाई और कोई भी नहीं बहू आई अम्मा की एक ही बहू वापस आ गई सारी आ रही है अभी सारे वैसे हैं अभी तिरखे आप जल्दी जल्दी होके आप लेट गए थे सबसे पहले आए हैं और बात रांदी शांदी मैं उन्हें कहती हूँ आके मिल जाओ भाई मैं इधर भाई अच्छी तरह एडजस्ट हूँ तो भी मुझे खराब ना करो चले खा भी लिया इसकी लड़ाई शुरू हो गई है अच्छा जी चाय बन रही है यहाँ पे चाय तो मैंने वैसे वहां से पी थी मेरी साली ने बनाई थी चाय मुझसे भी पूछ रही थी मैं तो मैं नहीं पी रही लेकिन उसमें ना जरा चीनी ज्यादा थी इसमें शक्कर डली हुई हाँ तो अब इसमें ना चीनी ज्यादा डाल देना आप शक्कर देख के आपका तो मुंह ही खुल जाता है वो मुझे हिसाब नहीं रहता तो चाय पीते हैं जनाब लेकिन उससे पहले पानी पीते हैं वैसे हमारी तरफ गर्मी अब शदीद हो चुकी है मैं वहां पे बैठा रहा हूँ गर्मी में ससुरालियों के घर नहीं नहीं ये ना सारी खवातीन थी ना मतलब ये सारी चरबर 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 कुछ किसी का कोई परवाह भी नहीं है कौन कहाँ बैठे तो फिर मैं सब करके शरीफ होकर मैंने यार थोड़ी देर के लिए आए बैठ जाओ आराम से ना इज्जत के साथ क्योंकि ये पहले बोलती रहती हैं कि आप जाती हो तो ये करती वो करती मैंने कहा यार टाइम पास कर अल्लाह के बंदे यार तो फिर धूप में मेरी कांड सड़ गई थी वहाँ पे नहीं आप इतने बोले थे आप अंदर आ जाते कहते मुझे कोई बिठाओ कमरे में अब मैं कहता मुझे बिठाओ आप लोगों को पता नहीं मेहमान आया हुआ है मेहमान नहीं है आप दमाद हो दमाद का भी मेहमान नहीं चलो कोई नहीं आसान उसको अपना घर समझना था आपने असि फील कदे नहीं किया ना बस इन्होंने कौन से डेली मिलने जाता पूछो पूछो इज्जत से पूछो हाय 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 अच्छा जी चाय पी लेंगे यार फिर ये आंसू क्यों रहे गीला नहीं करना शिकवा नहीं करना आपने कितने दिनों के बाद गई 5-6 महीने बाद तो गई हो 7-8 महीने के बाद गई पता बड़ा था कि साथ वो छोटी वाली नहीं पैदा हुई थी जो मेरी बहन सिस्टर है ना उसकी बेटी पैदा हुई थी वो अब 8 महीने की है सोच लो हम गए थे ये उसके बाद एक चक्कर लगा लगाया मुझे भी शक पड़ता है एक चक्कर लगा था मम्मा की जैसे सारी बहनें थी वो जो सारी नहीं पीती थी सारी बहनें इसकी बहनें हैं बहनें हैं वहाँ पे चार बहनें एक जैसी हैं कोई पत्ता भी नहीं लगता इन लोगों का बोलती भी ज्यादा है सारी इनमें कमलियां जी नहीं सारी बड़ी बोलती है वैसे शाम हो चुकी है मगरिब की नमाज हो चुकी है और वो सामने चांद और इधर हमारा चांद हाँ जी क्या बात है क्या हाल है ठीक है आप आज खुश हो ना हाँ जी आज हम खुश है अपनी माँ से मिल रहा है मेके से मिल जुल के तो सब लोगों ने बताना है कि भाई कौन मेके हो के आया है बिल्कुल बिल्कुल तो व्लॉग काफी लंबा चौड़ा हो गया अभी हमने खाना छाने का कुछ प्रोग्राम ढीला मठा ही करेंगे जो कि हम उधर से खाना खा के आए थे बिल्कुल बस हल्का फुल्का अरेंज करेंगे हल्का फुल्का तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं आप लोगों से लेते हैं इजाजत अपनी दुआओं में याद रखिए अपना ढेरों ख्याल रखिए और व्लॉग को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज